नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे CSIR UGC NET जून 2024 के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसमें हमें कितनी शुल्क रहेगी, इसमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ज्वाइंट CSIR UGC NET जून 2024 के जो आवेदन है, वो आवेदन दोस्तों 1/5/2024 से चालू हो गए और 21/5/2024 इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। CSIR UGC NET में वही आवेदन कर सकते हैं प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिनका मास्टर डिग्री जो है दोस्तों MSc है, या फिर आपने MBBS या ये कर रखा है तो आप जो मेस यानी कि MSc मेस वगैरह सब्जेक्ट से यदि आपने कर रखा है तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आपको आवेदन करना है तो वो आप जो है दोस्तों ज्वाइंट CSIR UGC NET जून 2024 में आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी ये रूल बुक है, ये रूल बुक आप पढ़ लें, इसमें आपको क्या दस्तावेज यानी कि क्या योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको UGC NET के आवेदन के बारे में बताया था, सेम वही तरीके से दोस्तों इसके आवेदन डालेंगे। तो ये रूल बुक की कॉपी जो है दोस्तों हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप ये जानकारी पढ़ सके और अपना आवेदन कर सके। अब हमें आवेदन करना तो सिंपल से हमें ज्वाइंट CSIR UGC NET जून 2024 के जो ऑफिशियल पोर्टल, इस पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आवेदन कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में इसकी नोटिफिकेशन यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, तो ये आप पढ़ लें। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है, इसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, तो आप ये जानकारी भी पढ़ लें। पासवर्ड कैसे बनाना, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। उसके बाद में आई एग्री पर हमें क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसेड पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से पूर्ण डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको, यदि आपके पास आधार कार्ड है और आप आधार कार्ड के नंबर से अपना आवेदन करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, फर्स्ट वाले को, और डिजी लॉकर के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो सेकंड। तो जो भी आपको उचित लगे उस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जैसे हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन से आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर देना और जनरेट OTP पर क्लिक करना। जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करोगे तो आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको वेरीफाई कर लेनी है। तो हम ये आधार कार्ड की OTP वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों, आपके आधार से जो भी जानकारी है, जैसे आपका नाम और जो भी जन्म तिथि है, जेंडर, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर आपको जानकारी फिल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपका जो भी पिता का नाम है, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार पिता का नाम दे, माता का नाम दे। उसके बाद में दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी, तो ये ईमेल आईडी चालू एक्टिव वाली देनी, ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, वो वेरीफाई हो, ईमेल आईडी और आपका एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाए। उसके बाद में मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर देना है। आइडेंटिटी टाइप में जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको सिलेक्ट करें। उसके आईडी नंबर आपको देना है, और यदि आपके पास आधार कार्ड है तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी को सिलेक्ट करना है, और जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद में आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। तो उसके बाद में कंट्री का चयन करना है, स्टेट का चयन करना है, जिस भी स्टेट के निवासी। उसके बाद में जिले का चयन करना है, पिन कोड देना है, जो भी पिन कोड है वो पिन कोड दे। उसके बाद में आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम है, प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पता है वो सेम हो जाएगा, और आप अलग अलग देना चाहते तो अलग अलग भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना, तो आपको जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट कर ले, कंफर्म पासवर्ड दे। उसके बाद में एक हिंट क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना, उसका आंसर देना। उसके बाद में कैप्चा कोड देना और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना। जैसे आप जानकारी देकर वेरीफाई कर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से एक रिव्यू पेज दिखेगा। इसमें आप अपनी जानकारी पुनः एक बार मिलान कर ले। पुनः मिलान करने के बाद में स्क्रॉल कर जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिख रहे, जैसे माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। एग्री पर आपको क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय जो ईमेल आईडी दी थी उस पर एक OTP आएगी, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल की OTP डालना है। उसके बाद में जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड देना और सिंपल से वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपना
ईमेल ओटीपी देकर वेरीफाई कर लोगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर जहां पर आपने वेरीफाई की जो ओटीपी आया था उसी पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर का मेल प्राप्त होगा। तो हम ये ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो भी ईमेल आपके पास आए एप्लीकेशन नंबर का, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको देना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया पासवर्ड देना है, कैप्चा कोड देना और सिंपल से लॉगिन पर आपको क्लिक कर अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। तो हम ये जानकारी देकर लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपना यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देकर लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर जो दिया था वो मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में आपको कंप्लीट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो पहले हम मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कंप्लीट एप्लीकेशन का। तो सिंपल से आपको कंप्लीट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पर्सनल डिटेल दिखेगी, जिसमें कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पर आपको नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो भी आईडी प्रूफ आपने दिया था वो नंबर दिखेगा। उसके बाद में जो भी कैटेगरी है, एसटी है तो शेड्यूल ट्राइबल, एससी है तो शेड्यूल, कास्ट और ओबीसी है तो ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी का चयन कर ले। उसके बाद में यदि विकलांग है तो उसका चयन करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यदि आपको शुगर है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आपके एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स गार्डियन की वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पर आपको देना है। तो जो भी है वो यहाँ पर आपको देना है, कैप्चा कोड देना है और नीचे सेवन नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा उस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका एड्रेस डिटेल शो होगा। तो हमने स्क्रॉल कर सबसे नीचे ले आया है क्योंकि सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी। उसके बाद में जैसे आप कैप्चा कोड देंगे यहाँ पर आप अपना एड्रेस डिटेल जो भी वो मिलान कर ले। उसके बाद में कैप्चा कोड देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है तो दे, अन्यथा छोड़ दे। उसके बाद में आए एग्री पर क्लिक कर आपको सिंपल से सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहां पर जानकारी पूछी जा रही है, आई वांट टू अप्लाई ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2024 ऑन द बेस्ड बेसिस ऑफ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है या मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट है तो जो भी है उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में पास स्टेटस है तो पास डे या आखिरी वर्ष, आखिरी सेमेस्टर में आप, यानी कि अंतिम वर्ष में अभी आप अध्ययनरत है तो जो भी है उसका आपको चयन कर लेना है। पास डे तो पास डे, उसके बाद में कब आपने पास करी वो ईयर यहाँ पर आपको देना है। कोर्स स्ट्रीम जो भी आपने किए, BSMS, BS PhD, MS PhD, MSc कर रखी तो ये, तो आपको MSc यदि आपने कर रखी तो MSc वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में MSc का जो भी कोर्स है आपने केमिस्ट्री बायो जिससे भी कर रखी है वो यहाँ पर आपको दे टाइप करना है। तो जो भी है वो यहाँ पर आप टाइप करें तो हम यहाँ पर आपको डेमो जानकारी दिखा रहे, इसलिए आपने जिससे भी MSc कर रखी है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद में क्वालिफाई एग्ज़ाम इंडिया से है या आउट ऑफ इंडिया से आपने जो मास्टर डिग्री कर रखी वो है। उसके बाद में आपने कौन से स्टेट से कर रखी मास्टर डिग्री, उसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम देना है। उसके बाद में आपकी जो भी कॉलेज है जहाँ से आपने कर रखा हो कॉलेज का नाम और एड्रेस देना है। उसके बाद में कॉलेज का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड देना है। रिजल्ट में यहाँ पर आपको परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका मास्टर डिग्री में टोटल पूर्णांक था वो पूर्णांक देना है। उसके बाद में जो भी प्राप्तांक था वो प्राप्तांक देना है, तो जो भी वो देना। उसके बाद में यदि आपने PhD में एडमिट ले रखा है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में कैप्चा कोड देना है, कैप्चा कोड देने के बाद में एग्री पर आपको क्लिक करना है, सिंपल से सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहां पर कुछ इस तरीके से रिसर्च एंड एक्सपीरियंस डिटेल खुलकर आएगी एडिशनल डिटेल में। तो यहां पर वेदर यूअर प्रोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस PG डिग्री के साथ में है तो यस को सिलेक्ट करें, एक्स सर्विसमैन में है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। यदि आपने MPhil कर रखा है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में वेदर यू कंप्लीट मास्टर डिग्री कोर्स, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट है तो यस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कंप्लीट या परसिंग, तो कंप्लीट है या रनिंग में उसका आपको चयन करना है। उसके बाद में पुनः यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जो भी यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। उसके बाद में कंप्लीट ईयर, कौन सी ईयर में आपने कर रखा है उसका चयन करना है। उसके बाद में मास्टर डिग्री कोर्स जो भी था वो यहाँ पर आपको देना। उसके बाद में पुनः कोर्स स्पेशलाइजेशन में आपको वापस का जो भी डिग्री आपने कर रखी वो नाम देना है। उसके बाद में डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि यह है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें।
उसके बाद में जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड देना है, एग्री पर क्लिक करना है और सिंपल से सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अप्लाई फॉर, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप या PhD ओनली, तो जैसे आप एक पर क्लिक करोगे तो आपका जो है दोस्तों ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको तीनों में आवेदन करना रहेगा। यदि आप 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स से करते हैं तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन नहीं होता, ये ब्लैक हो जाता, यानी कि इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ दो ऑप्शन आपके खुले रहेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर आप मीडियम कौन से मीडियम से आप क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं वो मीडियम का चयन कर ले। उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट आपका जो भी है वो यहाँ पर केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स साइंस है, फिजिकल साइंस है, जो भी है उसका आपका चयन कर लेना। उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर आपका जो भी है वो सब्जेक्ट यहाँ पर चयन कर लेना। उसके बाद में सबसे पहले आपको 4 स्टेट का चयन करना है परीक्षा केंद्र के लिए, तो जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपकी नज़दीकी स्टेट है जहाँ पर आपको परीक्षा देना है, जो परीक्षा केंद्र लेना है, तो 4 स्टेट का चयन कर ले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर परीक्षा केंद्र खुलकर आएंगे, तो जो भी परीक्षा केंद्र आपको लेना है वो परीक्षा केंद्र यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये हम दोस्तों डेमो जानकारी दिखा रहे, इसलिए आप आपके अनुसार जो भी जानकारी फिल करनी वो भरे। उसके बाद में पिता, आपकी पिता जो है क्या करते हैं, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, गवर्नमेंट सर्विस में, जो भी उसका आपको चयन करना है। आपके पिता कहाँ तक पढ़े हैं उसका आपको चयन कर लेना है, यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में माता का बिजनेस क्या है उसको सिलेक्ट करना है, माता कहाँ तक पढ़ी उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कैप्चा कोड देना है, कैप्चा कोड देने के बाद में एग्री पर क्लिक करके सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आवेदक है उनका फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 200 KB के बीच में, और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में अपलोड करना है। और आपका जो भी, यदि आप ST SC OBC कैटेगरी में आते हैं तो जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो स्कैन कर अपलोड करना है, और EWS में आते तो भी आपके EWS सर्टिफिकेट स्कैन कर अपलोड करना है, और आप सामान्य कैटेगरी में आते तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना रहेगा। तो ये दस्तावेज अपलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सेवन नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका जो रिव्यू पेज आपको खुलकर सामने आएगा, यहाँ पर आपको सारी जानकारी आपको शो होगी। उसके बाद में आप ये पेज अच्छे से चेक कर ले, अच्छे से रिमार्क कर ले। अच्छे से रिमार्क करने के बाद में दोस्तों यदि आपको कोई संशोधन करना है तो बैक पर जाकर आप अभी संशोधित कर सकते हैं, और यदि किसी तरह का संशोधन नहीं है तो सिंपल से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पुनः कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दिख रही, जैसे माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर, सिटी, कोर्स, सब्जेक्ट, आई एग्री, सारे चेक बॉक्स पे आपको पुनः क्लिक करना और सिंपल से फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट कितनी शुल्क भुगतान करना है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपल से पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है SBI से करना है या ICICI जिससे भी इसका पेमेंट करना है इसका, वो वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है जिससे भी इसका पेमेंट भुगतान करना है पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपका पेमेंट जो सक्सेस हो चुका है, पेमेंट चेक, पेमेंट स्टेट सक्सेस। अब हमें रसीद डाउनलोड करना है तो सिंपल से हमें गो टू डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप गो टू डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन कंप्लीट, फीस पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर डाउनलोड एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है, और जो आपकी रसीद है वो रसीद आपको 3 पेज की रहेगी, वो रसीद आप प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख ले, ताकि जब इसकी एग्जाम होगी तो जो रिसिप्ट है दोस्तों, एडमिट कार्ड है, वो इसी रिसिप्ट के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जॉइंट CSIR UGC ने जून 2024 के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आप इस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।